अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैंने बनाई है बिल्कुल ताज़े आम से। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और उनको बाहर खिलाने से अच्छा है कि घर पे बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के और बहुत ही कम चीज़ों में बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैंगो ले लिया है। ये देखिए, ये बड़ा सा मैंगो है। एक मैंगो में 6 आइसक्रीम बहुत आसानी से बन जाएंगी। सबसे पहले इसको हम पिल ऑफ कर लेंगे। बहुत ज्यादा गहराई में न छीलिएगा, पतला पतला इस तरह से छील लीजिएगा, वेस्ट ना हो मैंगो भी। तो इस तरह से मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया है और इसमें हम बारीक बारीक कट लगाएंगे ताकि ये मिक्सी के जार में डाल के ये आसानी से पेस्ट बन सके। तो इस तरह से काट लीजिएगा और बहुत अच्छे से स्क्रैप करिएगा ताकि वेस्ट न हो पल। कोई सा भी मैंगो मंगाइएगा आप, दशहरी चौसा सीजन भी है मैंगो का। एक बार अगर आप बना लेंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे, इतनी पसंद आ जाएगी मैंगो आइसक्रीम सबको, बच्चों को भी बड़ों को भी। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से स्क्रैप कर लिया है, सारा पल्प निकल आया है। तो इसको एक मिक्सी जार ले लेंगे और ट्रांसफर करेंगे मिक्सी के जार में। तो इसमें पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बगैर पानी के या बगैर दूध के ही हमें इसको पीस लेना है। तो ये देखिए, पल्प का पेस्ट बन गया है। इस तरीके से ये बनता है पेस्ट, गाढ़ा गाढ़ा। तो चलिए इसको एक बोल में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने ट्रांसफर कर लिया है, इसको हम एक साइड में रख देते हैं। इधर मैंने पैन ले लिया है, पैन में हम 1 कप दूध डाल देंगे और अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। फुल फैट लीजिएगा तो बहुत अच्छी और ज्यादा हेल्दी रेसिपी बनेगी। 1/2 कप करीब हम डाल देंगे इसमें शक्कर और शक्कर को डिजोल्व होने देंगे। तो दूध में 1 बॉयल आ गया है, शक्कर भी हमारी डिजोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर में 2 टेबल स्पून पानी डाला है और इसको मैंने इस तरह से घोल लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप ले लीजिए कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, उसको आप घोल के ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने घोल लिया है अच्छे से। ये देखिए, चम्मच से नीचे से चला लिया, क्योंकि घोल के रख दो तो नीचे बैठ जाता है कस्टर्ड पाउडर। तो अब हम इसको शामिल करेंगे और हाथ से चलाते जाएंगे। इसलिए चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना पड़े। फ्लेम को लो पे रखिएगा, बिल्कुल लो पे। तो कस्टर्ड पाउडर भी हमको पका लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए, ये भी ठीक हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे और हाथ को चलाते हुए पकाएंगे, रोकेंगे नहीं। तो ये देखिए, ठीक हो गया है और कलर भी हमारा कस्टर्ड पाउडर की वजह से थोड़ा सा हल्का सा पीला हो गया है, जो कि हमारे मैंगो आइसक्रीम को कॉम्प्लीमेंट करेगा। बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। 1 बॉयल आने के बाद इसको 5 मिनट के लिए और पका लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है। तो फिर इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख दीजिएगा, ये ठंडा हो जाए। कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। इधर मैंने एक बॉल ले लिया है, बॉल में हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। और ये जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी यानी पेस्ट, ये हम इसी में सारा ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऐड कर लिया है और इसको इस तरह का आप विस्कर ले लीजिएगा या फिर अपने चम्मच से ही मिक्स कर लीजिएगा। इसको मकसद है बहुत अच्छे से मिक्स करना। मैंगो की प्यूरी आप नहीं बना पाए हैं तो मैंगो की प्यूरी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप मंगा सकते हैं मार्केट से और मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है मैंगो प्यूरी, बट ज्यादा बेस्ट होता है कि सीजन वाले मैंगो मंगाइएगा, घर में बनाइएगा तो उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है, क्योंकि वो अपने हाथों से हम बनाते हैं, सफाई से बनाते हैं और कोई मिलावट नहीं होती है, ना तो कोई मैंगो एसेंस ना वनीला एसेंस, कुछ भी हम मिक्स नहीं करते हैं। प्योर मैंगो आइसक्रीम हम घर में बहुत आसानी से बनाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें जब कस्टर्ड पाउडर आप मिक्स करते हैं दूध में, आप 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर दूध में पकाने के बाद जब हम रखते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है और ठीक हो जाता है। तो उसे ज्यादा नहीं लेना है, उसे कम नहीं लेना है। 1 कप दूध में 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर सफिशियंट है। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं। इधर हम एक मोल्ड ले लेते हैं, आइसक्रीम मोल्ड। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ले लीजिएगा, छोटी गिलसिया होती हैं, स्टील की होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं, इस तरह की ले लीजिएगा, या तो फिर गिलसिया नहीं तो आप इस तरह के
कॉफी कप्स ले लीजिएगा। इस तरह से हम ये निकाल लेंगे और एक एक करके इस तरह से हम इसमें पोर करेंगे। बहुत ज्यादा ऊपर तक हमको पोर नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई फूड कलर नहीं डाला है, फूड एसेंस नहीं डाला है, नेचुरल कलर है ये। तो चलिए इसको एक साइड में रखते हैं और इसको हल्का सा टैप कर लेते हैं इस तरह से कि लेवल में आ जाए। साइड्स गंदी हो गई हैं तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिएगा, उससे आप साफ कर दीजिएगा। तो अगर आप इसके कैप नहीं लगाना चाह रहे हैं, आइसक्रीम मोल्ड के कैप आते हैं जैसे ये कैप हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो कैप होते हैं तो उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं कि मोल्ड तो इस्तेमाल कर लेते हैं, मोल्ड के ऊपर लगा देते हैं एक एल्यूमिनियम फॉइल और उसके ऊपर से फिर हम लोग डालते हैं स्टिक। तो अगर आप कम्फर्ट है तो कैप लगाइएगा, नहीं कंफर्ट है तो कैप न लगाइएगा। तो इस तरह से हम इसे कैप लगा देंगे। और अगर आपको बगैर कैप के आइसक्रीम चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको बगैर कैप के आइसक्रीम मोल्ड में बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से मैंने कैप लगा दिया है। अब आइसक्रीम मोल्ड हम रखेंगे फ्रीज में 6 से 7 घंटे के लिए रख दीजिए, आपकी आइसक्रीम जम जाएगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रखिए ओवरनाइट, ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिजल्ट बेस्ट रहेगा। तो अब टाइम आ गया है, आइसक्रीम मोल्ड निकाल लेते हैं अपना। और इधर देखिए मैंने डिश में पानी ले लिया है, थोड़ा सा गुनगुना लीजिएगा। आइसक्रीम मोल्ड को पानी में हम इस तरह से रख देंगे, 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे तो अपने आप ये आइसक्रीम निकल आएगी। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल लाजवाब, इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका जो फील है एकदम बाजार वाले तरीके से ही है, खाने में उससे ज्यादा अच्छी है, हेल्दी होती है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं अपने मनपसंद, पिस्ता, काजू, बादाम, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपने फीडबैक्स जरूर दें आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।